जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का वादा है कि यह जी पूरी जी प्रक्रिया है इसी अस पूरा जो वायदा करगे उस वायदे की अस पूरा करगे। एदे कन्ने गै असैंबली दा इहदे लई कोई ना निशान नहीं है, लेकिन असें असैंबली दा इहदे कन्ने कन्ने जी है अगर अस कारपोरेशन जां म्युनिसिपैलिटी दा कामयाब हो जाने तो असैंबली कोई बड़ी दूर नहीं है, क्योंकि इत्थे साडा पहले भी संगठन रहा आर एस पूरा च अस पहले भी जीते दे आ, दूई बारी अस दूआ नंबर आए उहदे बाद च भी अज भी साडा संगठन जिहड़ा आर एस पूरा दे विच बिलकुल तैयार है। और अस उम्मीद करने आ कि कारपोरेशन की इलैक्शन, पंचायत की इलैक्शन और असैंबली इलैक्शन ओहदा कदे के 2024 की पार्लीमेंट जिहड़ा असें भैन जी जिहड़ा अपना रिजल्ट है वह देईए दा ओहदे बाद मैं सारे जिन्हें भी साथी आए ना सारे का धन्यवाद करना और उम्मीद करना ये पूरी अपनी अज संकल्प लेइए जान के जिहड़ी जिहड़ी वार्ड अस रहने वाले हाँ उस वार्ड दे विच अगर पंचायत दे चलाउणे वाले ने पंचायत दे सरपंच दी पंचे दी वार्डें दी तैयारी करचे और जिहड़े म्युनिसिपैलिटी दे वार्ड दे विच ना जिहड़ा एरिया पाउंदा है एक है स्टेट बॉडी की कमेटी बनानी है और एक जी लोकल बॉडी है लोकल जी अर्बन लोकल बॉडी की सारी 13 वार्ड है इतों ने और आश्वासन है जरा सारा सारी गल जी अपनी दसी है। तो भैन जी ने आख्या कि जड़े भी साढ़े साथी बैकवर्ड की अज तक जी रिजर्वेशन नहीं थी है और ये जी अर्बन लोकल बॉडी की इलैक्शन आवा दी है और भैन जी का क्लीयर आदेश है कि बैकवर्ड की जड़ी है उनकी जी 27% रिजर्वेशन बनती है और लोकल बॉडी के बच्चे उन्हें सारे की जी हिस्सेदारी दी जाए कन्ने गए जी एस सी बनती है एस सी दे गवर्नमेंट ने नोट लेकिन बैकवर्ड की जी है जम्मू कश्मीर के लागू नहीं की है, लेकिन भैन जी ने हुक्म दिता है कि इसी जी भागीदारी जी बैकवर्ड की है यह पिछले 27% कन्नै जिन्ना कोटा बनता बैकवर्ड की असी देना और बैकवर्ड के अस बेनती करके कि इसी पूरे जोर शोर का कन्नै पूरी तैयारी करने बनाई सकने पिछे भी अगर ये चेयरमैन बने ने पिछे तो दिखेगा अज तक डिवेलपमेंट हुई है कोई डिवेलपमेंट नहीं है। सफाई कर्मचारी होंगे बेचारे तनखाइया नहीं दिया दे सफाई कर्मचारी अगर तनखा नहीं देंगे बेचारे क्या काम करना। उस गलिया नालिया दिख लो जो लोकल अर्बन लोकल बॉडी का काम है गलिया नालिया बनानी लेकिन अज भी देखो सारा पानी बाजारों में खड़ोते गलियों पानी खड़ोते और कोई भी तरक्की जी पिछले 5 सालों कोई तरक्की नहीं की गई है। और अस आश्वासन दिने आर एस पुरा वासियों की कि जियां अगर साढ़े चेयरमैन तुम बना दार्ड के मैंबर जिताते हो सा चेयरमैन बनता है और एक मॉडर्न मॉडर्न म्युनिसिपैलिटी जी है आर एस पुरे की अस बनाइए देगे। डी एस पी का बिल्कुल पूरा वायदा है और भैन जी का आदेश है कि जिथे जिथे भी सारे चेयर पूरे जोर शोर के कन्ने इलैक्शन लड़ा रहा उत्थे तकरीबन असें कैंडिडेट जेडे लास्ट स्टेज का पर तकरीबन 35 कैंडिडेट होने के असें जल्दी गए 10-15 दिन के अंदर जो अगर चलना ताकि जो जम्मू म्युनिसिपैलिटी के जो मेयर है वह बहुजन समाज पार्टी का है। और अगर तुम सफाई की गल करते हो अज तक म्युनिसिपैलिटी के जम्मू कश्मीर की जो म्युनिसिपैलिटी चाहे सफाई के जो केवल इतना सी कि आने वाली जिहड़ियां इलैक्शन हैं म्युनिसिपैलिटी दियां आर एस पुरा च उसी असी फाइनल करना सी कि असी केड़े-केड़े कैंडीडेट देईए वो केड़ी वार्ड तो केड़ा कैंडीडेट देईए और उस दे वास्ते ये स्पैशल एक मीटिंग अज एमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई सी जिस दे विच असी कोई 4 नाँ जिहड़े फाइनल किए हैं और 2 वार्डां असी एक बंदे नूं दित्तियां डॉक्टर हरजीत हरजीत जिन्हां के आर आई साड़ी MLA की इलैक्शन भी इस खेत तो जीती हुई है और उन्होंने दितियां कि ये 2 वार्डा जी 12-13 देखेंगे और इतों बंदे कढ़न गए और साड़ा मेन मकसद सी कि असी जिहड़ा इस वार दी इलैक्शन का जिहड़ा चेयरमैन होएगा वह बहुजन समाज पार्टी का होगा। असी बड़े जोर शोर के नाल इलैक्शन जी लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी। हाँ जी एक स्वर्ण लाल जी है बिट्टू एक साढ़े कोल है वार्ड नंबर 4 नंबर तो एक साढ़े कोल 11 नंबर का कैंडिडेट है एक साढ़े कोल आ गया 6 नंबर वार्ड का जी चंद्र जी दो वार्डा असी इन्हों दिखाई कि ये 2 वार्डा चू ये अपने कैंडीडेट क्ढन गए और उन्होंने जिताएंगे
अज का जोड़ा ये मीटिंग का साढ़ा ये मेन मकसद से। इस तू बाद असी सारी जी पार्टी है इन्हों पिछे लग जाएगी और ये इतों का जोड़ा चे इलैक्शन का चेयरमैन जोड़ा होगा इस आर एस पुरा का वो बहुजन समाज पार्टी का होगा, ये साढ़ा कहना। आज का बैठक का आयोजन आने वाले लोकल अर्बन लोकल बॉडी की जो इलेक्शन थी उसके बारे में की गई है और विस्तार में चर्चा की गई है। इसमें सभी साथियों ने ये संकल्प लिया है कि हम आर एस पुरा में अपना चेयरमैन बनाएंगे और 13 की 13 वार्डें जो जोर शोर से जीतेंगे और दिन रात काम करके इस माननीय कांशीराम साहब की मूवमेंट को बढ़ाएंगे और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो इधर का आर एस पुरा का जो चेयरमैन हम बना के छोड़ेंगे। और हमारा प्रयास है, बहुजन समाज का पार्टी का प्रयास है कि जितने भी अपने ओबीसी के साथी हैं उनको उनकी भागीदारी दी जाएगी। एससी की तो रिजर्व होगी, उसका तो गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी, लेकिन ओबीसी को बहुजन समाज पार्टी जो हर कमेटी में, हर म्यूनसिपल कमेटी में उनको अपनी भागीदारी देगी। जय भीम, जय भारत।